नमस्कार दोस्तों, गोयल सोइंग मशीन की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं सिंगल फोल्ड पाइपिंग फोल्डर, जो आप हमारे देख रहे हो। आगे के आपने वीडियो देखे, उसमें हमने हैवी ड्यूटी पाइपिंग फोल्डर बताया है, डबल फोल्ड पाइपिंग फोल्डर बताया है, हेमिंग फोल्डर आपको बताए हुए हैं, और आज हम आपको हमारे पास जो वेराइटी है उसके अंदर में सिंगल फोल्ड पाइपिंग फोल्डर दिखा रहे हैं, जो हमारे पास छः साइज के हमारे पास रेडी में मिल जाएंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे 12 mm से 6 mm सिंगल फोल्ड किसे कहते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। इसमें आप 1.5 inch की पट्टी डालोगे तो 1/4 की पट्टी मिल जाएगी, मीन्स के 12 mm से 6 mm। उसके बाद में आपको मिलेगा ये है 5/8 to 5/16 जो आप देख रहे हो। इसके अंदर आप 16 mm की पट्टी डालोगे तो आपको ये 8 mm आउटपुट देगा, ये जो आप देख रहे हो 5/8 to 5/16। उसके बाद में आप ये देखिए 20 mm से 10 mm, ये जो चीज़ है 20 mm से 10 mm, ये इसके अंदर आप 3/4 की पट्टी डालोगे 3/8 का आपको आउटपुट मिलेगा, ये जो आप देख रहे हो इसके अंदर। अभी आपको हम बताते हैं, उसके बाद में आपके पास है 1 inch, 1 inch मीन्स के 1 inch से आपको 12 mm का आउटपुट मिलेगा जो आपको सिंगल फोल्ड कर रहा है। ये देखिए, इसको ऐसे आप सिंगल फोल्ड बेल्ट कहते हैं। अभी हम आपको बता रहे हैं 1/4 inch का, ये है 1/1/4, 32 mm से 16 mm, आपको 1/1/4 से 3/4 ये आपको ये आउटपुट देता है, सॉरी 1/1/4 से 5/6 आपको ये 5/8 का आउटपुट देगा, ये 1/1/4 32 mm से 16 mm, ये जो चीज़ आप देख रहे हो। सब फोल्डर हमारे सिंगल फोल्ड फोल्डर है जो आप देख पा रहे हो। उसके बाद में हमारे पास ये है 1.5 inch, ये है 40 mm, 40 mm से 20 mm, ये जो है इसको ये आप 3/4 बोल सकते हो। आगे हमने बताया था वो आपको 32 mm से 16 mm देगा, ये आपको 40 mm से 20 mm देगा। ये सब फोल्डर हमारे सिंगल फोल्ड फोल्डर है। सिंगल फोल्ड कैसे कहते हैं और ये मशीन पे कैसे फिट होता है वो हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं, तो हमारा वीडियो देखते रहिएगा। सबसे पहले हम आपको एक हमारे पास सैंपल की 1 inch की पट्टी है, उसके अंदर आपको पट्टी डाल के बता रहे हैं कि इसको सिंगल फोल्ड कैसे कहा जाता है। ये देखिए, हमारी 1 inch की पट्टी हम डाल रहे हैं। आपको जितना भी टेंशन चाहिए इतना ये आप इसमें से तार में से पसार करके आप टेंशन ले सकते हो। ये हमने बैग बनाने की नेवार ली हुई है, ये जो हमारी है बैग की नेवार है, ये हमने स्पेशली हैवी ड्यूटी के लिए ज़्यादा बनाए हुए हैं। तो आपको कहीं पे भी सिंगल फोल्ड करना है, इसको यू फोल्ड बोलते हैं। देखिए, ये खाली एक ही मुड़ेगा, उसकी बॉर्डर अंदर मुड़ेगी नहीं, इसके लिए इसको सिंगल फोल्ड कहा जाता है। हमने आगे आपको डबल फोल्ड में भी बताया हुआ था, तो ये आप हमारा वीडियो चालू रखिएगा। अब हम आपको इसको मशीन में कैसे लगाना होता है वो हम आपको आगे बताएंगे। ये हमने फोल्डर फिट कर दिया हुआ है, अभी हम आपको 1 inch की पट्टी लगा के बता रहे हैं। 1 inch की पट्टी जो सिंगल फोल्ड हो रही है, हम आपको ये पूरा लगा के बता रहे हैं। उसके सामने हमने यहाँ पे कंफर्ट सेटिंग फुट लगाया हुआ है CR38E जो आप देख रहे हो। अभी इसके अंदर आपको हम फैब्रिक चला के बताने वाले हैं। ये हमारा सिंगल फोल्ड पाइपिंग फोल्डर है जिसमें हम ये नेवार का मटेरियल लगा रहे हैं। इसमें अभी हमने एक मटेरियल लिया हुआ है जो पंच वाला है, उसको अंदर लगा के आपको हम पाइपिंग करके बताएंगे। ये आपको सिंगल फोल्ड करता है जो आप
देख रहे हो। आगे और पीछे ये जो नेवार का जो मटेरियल है वो हम आपको करके बता रहे हैं। ये फोल्डर आपको चाहिए तो वीडियो में दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करके उसके लिए जानकारी आप ले पाएंगे। ये हमने पूरा एक कपड़े पे राउंड बॉर्डर करके भी हमने बताया हुआ है, जिसमें हमने उसको राउंड पाइपिंग करके आपको दिखा रहे हैं जो आप देख रहे हो। ये हमारा जीटेक का 1 इंच का सिंगल पाइपिंग फोल्डर जो हमने आपको बताया हुआ है। इसके अंदर हमारे पास कई अलग अलग साइज और वेराइटीज़ है जो हमारे दूसरे वीडियो में भी हमने दिखाया हुआ है, वो वीडियो हम लिंक में डाल देंगे। आपको हर साइज़ का आपको सिंगल फोल्ड पाइपिंग फोल्डर हमारे यहाँ से मिल सकता है। ये हमने पूरा हर जगह से पूरा पाइपिंग करके आपको दिखाया हुआ है। सिंगल फोल्ड करना है तो आपको यहाँ से कोना राउंड काटोगे तो राउंड पाइपिंग भी आपका हो जाएगा, ये जो आप देख रहे हो। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और ऑर्डर के लिए हमें व्हाट्सअप मैसेज करिएगा, आपको हमारे व्हाट्सअप मैसेज पे रिप्लाई मिल जाएगा। हमारा वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।